हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टेकी मास्टर दशरथ। तो गाइज, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिलिंग कॉल एप्लीकेशन किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपको भी ये एप्लीकेशन यूज़ करनी नहीं आती है और आप सीखना चाहते हो कि ये एप्लीकेशन किस तरह से यूज़ करते हैं, तो गाइज आपको इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हो गया, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से कॉल स्क्रीन थीम्स बिलिंग कॉल आपको डाउनलोड करना है। इसमें आप अपने कॉल में आप थीम्स है जो लगा सकते हो। आप यहाँ पर थीम है जो देख सकते हो, किस तरह की हम थीम है जो लगा सकते हो इसमें। इस तरह की आपको भी कॉल आता है तो आपको थीम लगानी है। तो गाइस, इस तरह के इस एप्लीकेशन से आप इसमें थीम है जो लगा सकते हो। यहाँ पर आप इसके टेम्पलेट से जो देख सकते हो, ये पूरी तरह से इस तरह से ऐप चलने वाली ऐप है। इसमें यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, उसके पीछे की जो थीम होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर फोटो है जो देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कॉल कट का और कॉल उठाने का आपको ऑप्शन है जो देखने को मिल जाएगा। ये ऐप है जो 4.1 स्टार मिले हुए, इसकी रेटेड आप देख सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो। यहाँ पर आपकी इसकी डाउनलोडिंग है जो देख सकते हो, 10 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोडिंग है। और आपको इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर देना है। इसे ओपन करते ही तो आपके मोबाइल में यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके फिर से एक बार कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपको स्किप करना है तो यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हो। स्किप पर क्लिक करते हैं तो आपकी ये पूरी तरह से ऐप ओपन हो जाएगी, और आपको यहाँ पर इस तरह की इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसे कट कर देना है। यहाँ पर फोन एंड कॉन्टैक्ट को आपको सेट कर देना है। अगर आपको सेट करनी है तो यहाँ से आपको परमिशन को अलाउ कर देना है, और इसको भी आपसे आप टिक कर देना है। यहाँ पर आपको बिलिंग कॉल पर आपको क्लिक कर देना है। आपको सेट ड्राफ्ट फ्लो सेट कर देना है, ऐसे भी सेट कर देना है। और ये कौन सी ऐप है, इसको आपको परमिशन को ऐसे इनेबल कर देना है। तो आपकी ऐप है जो ये ओपन हो जाएगी। और आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर बहुत सारी इसमें आपको थीम्स है जो देखने को मिल जाएगी। आपको जो थीम्स अपने कॉल आता है तब लगानी है, वहाँ पर आप इस थीम को यहाँ से इसमें से आप लगा सकते हो। आपको जो भी थीम अच्छी लगी यहाँ से आप लगा सकते हो। आपको यहाँ पर रीसेंट देखने को मिलेगा, आप रीसेंट में जो भी थीम आप लगाना चाहते हो यहाँ से आप लगा सकते हो। आपको पॉपुलर देखना चाहते हो यहाँ से पॉपुलर भी देख सकते हो। यहाँ पर इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आपको पॉपुलर लगाना है तो यहाँ से आप पॉपुलर भी लगा सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगे उस पर आपको क्लिक करना है। आपको डाउनलोड करना है, यहाँ से आप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, और आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपकी यह जो डाउनलोडिंग हो जाएगी, और आपको इस तरह से कॉल आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर दीजिए। इसको कैसे सेट करते हैं, सेट करने का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है और आपको डाउनलोड कर देना है। इसमें कॉल उठाने का बटन और कॉल कट करने का बटन, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से आप चेंज करना हो तो चेंज भी कर दीजिए। बाद में आपको यहाँ से डाउनलोड कर देना है तो आपका ये वॉलपेपर आईडी जो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ आप इसमें थीम्स में लगा सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएगी। आपको जो भी टेम्पलेट्स अच्छा लगे उस टेम्पलेट को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। आपको वॉच पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक ऐड आ जाएगी। इस ऐड को आपको पूरा वॉच कर देना है। वॉच करने के बाद आपको यहाँ से कट कर देना है, और अगर जिसे आप यहाँ से लाइक भी कर सकते हो। यहाँ से आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप इसे लाइक कर सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो इसको। यहाँ से परमिशन को अलाउ करना है, ऐसे आपको डाउनलोड भी कर सकते हो इसके। आप इसको आप डाउनलोड करने के लिए आप इसका डाउनलोड हो जाएगा। इसे आप सेट करना चाहते हो, इसे आप सेट भी यहाँ से कर सकते हो। आपको यहाँ पर सेट कहाँ पर करना है, सेट फॉर ऑल कॉल्स पर क्लिक करना है, या ब्राउज़र कॉन्टैक्ट, आप जो कॉन्टैक्ट सेट करना चाहते हो उस पर भी आप कॉन्टैक्ट सेट करना चाहते हो। अगर आप ब्राउज़र कॉन्टैक्ट पर आप क्लिक करना चाहते हो, इसमें से आपको कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट कर देना है। तो क्या यहाँ पर मैं जिस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, उस तरह से आप भी कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट करता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट कर दिया है। आप जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट करना चाहते हो ऐसे आप सेलेक्ट कर दीजिए, और आपको सेट पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर सक्सेस सेट सक्सेसफुली हो जाएगा। आप अभी आपके मोबाइल में जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट किया है उसका जब भी कॉल आएगा तो आपके सामने स्क्रीन आपने जो थीम सेलेक्ट की है वो आपको यहाँ पर थीम है जो देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, मैं आपको एक बार कॉल करके आपको बता देता हूँ। तो गाइस, यहाँ से आपने जो भी थीम सेलेक्ट की है, आपके मोबाइल में जो भी कॉल आएगा, आपको किसी भी का भी कॉल आएगा, आपने जो थीम सेलेक्ट की है उसका वही आपको थीम यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस सर्च बार में आपको जो भी थीम सर्च करनी है यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। आपको स्काई की सर्च करनी है तो आप स्काई की भी सर्च कर सकते हो। आपको यहाँ पर बहुत सारी थीम्स है जो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपको टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएगी। आपको जो भी टेम्पलेट्स अच्छा लगे उस टेम्पलेट्स को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं उस टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करता हूँ, टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको मेक पर क्लिक करना है। मेक पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर डाउनलोडिंग हो जाएगी। डाउनलोडिंग पूरी होने के बाद आपको यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद आपको गैलरी में से कोई भी फोटो सेलेक्ट करना है। आपकी मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से फोटो सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, उसी तरह से आप भी सिलेक्ट कर दीजिए। आपको 9 फोटो सेलेक्ट करना है। आप 9 फोटो सेलेक्ट करने के बाद, तो गाइस मैं पहले फोटो सेलेक्ट करता हूँ। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करते हैं तो गाइस आपको 9 ही फोटो सेलेक्ट करने होंगे। तो गाइस 9 फोटो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ।
तो गाइस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है और आपका वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपने जो फोटो सिलेक्ट की होगी उसका वीडियो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो हमने जो फोटो सिलेक्ट की थी उसका वीडियो बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आप भी इसमें वीडियो है जो बना सकते हो, आपका यहाँ पर वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। आपका वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा है, एक्सपोर्टिंग पूरी होने के बाद आपका वीडियो है जो गैलरी में सेव हो जाएगा। आप इस ऐप से आप फोटो से वीडियो भी इसमें बना सकते हो। और आप इस वीडियो पर म्यूजिक सेट करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको रिप्लेस पर क्लिक करना है। आप इसमें आपके सामने यहाँ पर आपकी गैलरी में जो भी म्यूजिक होंगे, आपके फाइल में जो भी आपको म्यूजिक होंगे, आपको सारे म्यूजिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको प्लस पर क्लिक करना है और आपको म्यूजिक को यूज़ कर देना है तो आपका म्यूजिक है जो इसमें ऐड हो जाएगा। आप इसको अपलोड करना चाहते हो इंस्टाग्राम में, अदर किसी भी फाइल में, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। आपको सेट कॉल पर लगाना है इस वीडियो को, तो आप कॉल पर भी सेट है जो लगा सकते हो। आपको यहाँ पर सेट पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर सेट पर क्लिक करना है और आपको जहाँ कहीं पर भी इस कॉल इसको सेट करना है वीडियो को, तो आप सेट भी कर सकते हो। आपको इसमें मी पर क्लिक करना है, मी पर क्लिक करते हो तो आपको इसको लॉगिन करना है, तो यहाँ से आप इसको लॉगिन भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर सेट योर कॉलर आईडी पर आपको क्लिक करना है। आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ से आप अकाउंट भी क्रिएट है जो कर सकते हो। आपको अकाउंट करने के लिए आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर गूगल से लॉगिन कर सकते हो, फेसबुक से आप लॉगिन कर सकते हो, कोई इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हो। इस तरह से आप पूरी इस तरह से एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पर इसकी सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको कॉल स्क्रीन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, LED फ्लैश का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको लैंग्वेज, वॉलपेपर सेटिंग्स, नोटिफिकेशन, डाटा यूजेज, परमिशन गाइड्स, आपको ऑप्शन सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका ये जो आपने वीडियो बनाया है वो आपको यहाँ पर वीडियो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस तरह से आपका कॉल बिलिंग कॉल एप्लीकेशन को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।